विकास के नाम पर ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में यूनियन के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय किसान द्वारा कौंधियारा विकास खंड में मेन गेट पर धरना प्रदर्शन। विकास के नाम पर ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में यूनियन के पदाधिकारी व क्षेत्रीय किसानों के द्वारा कौंधियारा ब्लॉक मुख्यालय के मेन गेट पर बृहद पैमाने पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौंधियारा विकास खंड के 57 ग्राम सभाओं में बनवाए गए शौचालयों में व्याप्त अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। आइए दिखाते हैं राजेश सोनकर की इस खास रिपोर्ट में। जो आप लोगों के द्वारा एक दिवसीय जो है आंशिक धरना प्रदर्शन किया था, इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये धरना तो 51-50 दिनों से चल रहा है और आज यहाँ ब्लॉक को इसीलिए घेरा गया कि 50 दिनों से पिपराहटा गांव में ये धरना निरंतर चल रहा है और उसमें 2-3 प्रमुख मुद्दे जो प्रधानमंत्री के वरीयता के मुद्दे हैं उनको लिया गया। स्वच्छता अभियान के तहत जितने शौचालय बनाए गए हैं गाँव में 90% शौचालय उपयोग के लायक नहीं, आधे से ज़्यादा शौचालय कागज पर केवल बनाए गए हैं, धरातल पर है ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु ने स्वयं सर्वे किया। के मिश्रा राजीव चंदेल जी के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर की जो हमारी किसान यूनियन की इकाई है उसके माध्यम से एक एक गांव में जा करके इन लोगों ने उसका सर्वे किया। 50 दिनों से ये धरना चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं वो या तो सरकारी ज़मीन में न बना करके वो घूमघरी ज़मीन में बनाई जा रही है, उसकी जांच की मांग की गई है। उसकी गुणवत्ता परक कार्य नहीं हो रहा है, उसमें सरिया जो है नंबर 2 की लगाई जा रही है, इससे संबंधित। और इसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जिन पात्र व्यक्तियों को मकान मिलना चाहिए उनको न मिल करके जो अपात्र लोग हैं उनको दिया जा रहा है और तमाम लोग जिनको आवश्यक है सब बैठे हैं, उनको घर नहीं है, शौचालय नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के ये आज एक दिवसीय धरना ब्लॉक कौंधियारा के मुख्य द्वार पर दिया गया और यहाँ की जो BDO महोदया है उन्होंने आकर के ज्ञापन लिया और उसमें हम लोगों ने 7 दिन का उनको एक सूचना दिया है, एक अल्टीमेटम दिया है कि जो मुद्दे इसमें वर्णित हैं 7 दिनों में इसमें कार्रवाई से हमारी यूनियन के पदाधिकारी को अवगत कराया जाएगा, अन्यथा ये धरना अनिश्चितकालीन धरना में परिवर्तित होगा। आपका परिचय? फूलचंद दुबे, प्रदेश संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन भानु। ये भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले जो आज जो है एक धरना प्रदर्शन जो आयोजित किया गया, इसका मूल कारण क्या था? ऐसा है कि शौचालय निर्माण में जो घोटाले हैं उसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु का पिपराहटा में पिछले 50 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर किसान मजदूर पंचायत आयोजित की गई थी जिसमें माननीय BDO कौंधियारा यहाँ आई हुई थी और हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हम लोगों ने 5 मांगे रखी हैं जिसमें शौचालय निर्माण में जो घोटाला है उसके दोषियों को जेल भेजा जाए, स्कूल में जो कायाकल्प योजना से काम कराया गया है उसकी जांच कराकर उसके दोषियों को जेल भेजा जाए, आवास की जो सूची बन रही है पात्रता सूची उसको सार्वजनिक किया जाए और अपात्रों को का नाम काटा जाए। और यहाँ पर एक मांग ये भी हुई है कि जो ग्राम यहाँ पंचायत में ADO पंचायत हैं उनको तत्काल बर्खास्त करके उन्हें जेल भेजा जाए। इस संबंध में जब हम लोगों ने ज्ञापन BDO महोदया को दिया उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरे ग्राम पंचायतों में हम जांच करा देंगे, जितना भी घोटाला हुआ है शौचालय निर्माण में उसके खिलाफ पूरी जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और आवास योजना में पात्रता सूची का सार्वजनिकरण कर दिया जाएगा और ADO पंचायत को दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया जाएगा। ये मैं राजीव चंदेल, भारतीय किसान यूनियन भानु का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये सारी बातें